सब्सक्राइब कीजिए गौकर्स किचन चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौकर्स किचन। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज अप्पे। ये मिक्स वेज अप्पे बहुत ही टेस्टी हेल्दी होते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मिक्स वेज अप्पे कैसे बनाते हैं। मिक्स वेज अप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप इडली डोसा बैटर। मैंने इसमें नमक पहले ही डाल दिया है। आप ये इडली डोसा बैटर की रेसिपी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच बारीक कद्दूकस किया गाजर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद और भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स, हरे मटर के दाने, 1 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम नमक या स्वादानुसार नमक और अप्पे सेकने के लिए तेल। अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 छोटे चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें राई डालेंगे। इसे कम आंच पर कुछ सेकंड भूनेंगे। राई चटकने के बाद इसमें बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालेंगे और 1 मिनट मीडियम आंच पर भूनेंगे। प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डालेंगे। हमने बैटर में ऑलरेडी नमक डाला है, तो इसमें नमक हम उस सब से डालेंगे। मीडियम आंच पर 1 मिनट पकाएंगे। हमें सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है। एक 1.5 मिनट के बाद हल्के से सब्जियां पकाने के बाद गैस बंद करके इसे इडली बैटर में डालेंगे। अब बारीक कटा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए अप्पे बनाने के लिए बैटर तैयार है। तो अब हम गैस पर अप्पे पैन रखेंगे और हर एक ब्लॉक में थोड़ा सा तेल डालकर पैन हल्का सा गर्म होने देंगे। पैन हल्का गर्म हो जाने के बाद हर एक ब्लॉक में 1-1 बड़ा चम्मच बैटर डालेंगे। अब इसे ढककर 2-3 मिनट लो मीडियम आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल देंगे और एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाने के बाद इसे पलट देंगे ताकि दूसरी ओर से भी अच्छे से सेक जाए। फिर से एक बार हर एक ब्लॉक में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इन्हें बिना ढके ही 2 मिनट कम आंच पर पकाएंगे। देखिए ये अप्पे दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन सेक चुके हैं। इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह हम बाकी बचे हुए बैटर के अप्पे बनाएंगे। देखिए ये टेस्टी हेल्दी मिक्स वेज अप्पे तैयार है। आप इसे मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी या टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे जरूर बनाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।